हेलो एवरीवन, आज हम लोग को जैसा कि 28 ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन ग्रुप्स से पहले हम लोग पहले एक बार असाइनमेंट देख लेते हैं। असाइनमेंट नंबर टू, पहले असाइनमेंट में हम लोग ने कंपनी क्रिएट करना, शट करना, चेंज करना, ये हम लोग ने देख लिया है। और आज हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है लेजर्स क्रिएशन। तो चलिए लेजर क्रिएशन समझते हैं। सबसे पहले तो कह रहा है क्रिएट अ न्यू कंपनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पे अपन कंपनी बना लीजिएगा। एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, मैंने ऑलरेडी एक कंपनी टैली के अंदर बना रखी है, न्यू 3115-A2 के नाम पे, दैट मीन्स असाइनमेंट टू। अब जो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग बात करें क्रिएट द फॉलोइंग लेज़र, ये लेज़र्स बनाने, लेज़र्स में देख रहे हैं सबसे पहला लेज़र है पेटी कैश का, तो ये लेज़र बनाना है। अगर हम लोग जाएँ लेज़र बनाने के लिए तो सबसे पहले मास्टर्स में जाते हैं, मास्टर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्रिएट होता है, आप बोल रहे हैं क्या बनाना है, तो हमें लेज़र बनाना है, तो लेज़र में जाएंगे। और लेज़र में यहाँ पे जब बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट लाइक हमें बनाना है पेटी कैश, पेटी कैश हमने बनाया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे एलियस कर रहे हैं, एलियस मतलब निक नेम, आप चाहो तो एक नाम और डिफाइन कर सकते हो, नहीं डिफाइन करना तो आगे बढ़िए। नीचे देखिए यहाँ पे अंडर मांग रहे हैं, अंडर क्या है ये, तो जाहिर सी बात है पेटी कैश है तो होना क्या चाहिए। अभी ये टोटल आपको जो दिख रहे हैं ये ग्रुप्स दिख रहे हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मतलब ये है क्या, अकाउंट के क्लासिफिकेशंस हैं, क्या है, अकाउंट के क्लासिफिकेशंस है। तो अब इन क्लासिफिकेशन में से आपको सही ग्रुप को एलोकेट करना है इस पेटी कैश को। तो सही ग्रुप कौन सा एलोकेट होगा पेटी कैश के लिए, कैश इन हैंड सही ग्रुप है, इसको अलॉट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया कैश इन हैंड, और ये देखिए खुद क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, ये ग्रुप्स की बात है, जब भी आप लेजर क्रिएट करोगे आपको ग्रुप्स अलॉट करना पड़ेगा, और वो भी सही ग्रुप अलॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ग्रुप्स को अच्छे से समझ लें। दूसरी चीज़ देखिए, मैंने बनाया नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं बाहर आ गया। और फिर अल्टर में मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ, लेज़र के अंदर बाय डिफॉल्ट दो लेज़र पहले से बने होते हैं, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। कैश का देखिए कैश इन हैंड अंडर होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का अंडर क्या होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। तो इससे इसको समझने के लिए चलिए आते हैं नोट्स पे। हाउ टू क्रिएट लेज़र, हम लोग को पता है यहाँ पे मशीन का फिक्स्ड एसेट बनाया है अमित चतुर्वेदी, अंदर सन्ड्री डेटर बनाया है, पार्टी या तो डेटर होगी या तो क्रिएटर होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे बता दिया इन टैली टू लेजर्स आर ऑलरेडी क्रिएटेड, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। वी कैन नॉट डिलीट प्रॉफिट एंड लॉस लेजर, कैश का डिलीट कर सकते हैं बट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट प्राइमरी लेजर, और एक ही प्राइमरी लेजर डिफॉल्ट बना होता है टैली के अंदर, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमें आज पढ़ना है बेसिकली ग्रुप्स के बारे में, दैट इज अकाउंटिंग ग्रुप्स। तो अगर हम लोग समझें ग्रुप होता क्या है, ग्रुप इज जस्ट लाइक अ बास्केट वेयर वी कीप सिमिलर टाइप ऑफ आइटम। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को फल वाला, फल वाला क्या करता है, अलग अलग टोकरे में अलग अलग चीजें रखता है। तो वैसे ही टैली में करीबन कितने ग्रुप्स बनाए गए, 28 ग्रुप्स, 34 ग्रुप्स भी बोल सकते हो अगर बोलोगे क्या, इंक्लूसिव एलियस। इंक्लूसिव एलियस मतलब उनके निक नेम को जोड़ के अगर हम बताएं तो हम 34 बोल सकते हैं, और अगर 28 ग्रुप्स बोलोगे तो इंक्लूडिंग एलियस नहीं बोलना पड़ेगा। इसमें 15 प्राइमरी होते हैं, 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, तो ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगर हमें इन सारे ग्रुप्स को देखना है, हाउ टू चेक या व्यू ग्रुप्स, ग्रुप्स देख कैसे देखते हैं, तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली वहाँ एल्टर ग्रुप्स में जाके वहाँ देख सकते हैं, वहाँ आपको 34 ग्रुप्स के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एल्टर पे जाना है, और यहाँ पे ग्रुप्स पे जाना है, और यहाँ पे देखिए अगर हम इसको पूरा काउंट करें तो करीबन यहाँ तक आता है 31, और नीचे देखिए तीन और हैं, तो यानी कि तीन और मिला के हो जाएगा कितना, 34। और यहाँ पे इसलिए दिखता है क्योंकि छह ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके दो दो नाम होते हैं, जैसे बैंक ओडी ओसीसी एक ही चीज़ है, इंटर करके देखिए, ओडी को ओसीसी भी बोलते हैं, है ना, ओडी का एलियस है, निक नेम है, ओडी मतलब ओवर ड्राफ्ट, ओसीसी मतलब ओवर कैश क्रेडिट। इसी तरह से आप देखो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलो या एक्सपेंस डायरेक्ट बोलो, एक ही चीज है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, दूसरा तरीका देखने की, तो गेटवे ऑफ टैली चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप्स में जा सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में देखो यही चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, सर व्हाट इज चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है एक कंपनी अपना, हर कंपनी अपने यहाँ एक हायरार्कियल व्यू रखती है अपने लेजर्स का और अपने ग्रुप्स का, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक। अब वो कैसा होगा, टैली में ये चीज़ पहले से बना हुआ है,
अब यहाँ पे देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट में हम गए, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद कहाँ जाना है, हमें ग्रुप्स देखना है ना, तो हम लोग ग्रुप्स पे जाएंगे। जैसे ग्रुप्स पे जा रहे हैं, यहाँ देखिए टोटल हमारा ये हायरार्की व्यू दिख रहा है, ठीक है, और नीचे 28 ग्रुप्स दिख रहा है। अगर आप इस पे ध्यान से देख रहे होंगे तो सबसे किनारे जो स्टार्ट हुआ है इनको हम लोग प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, ओके। और जो थोड़ा इसके पीछे हट के लिखा है ये क्या है, सब ग्रुप है। अब आप देख रहे होंगे कि कैपिटल के नीचे एक सब ग्रुप है, रिजर्व एंड सरप्लस। करंट एसेट के नीचे कई कई सब ग्रुप हैं, करंट लाइबिलिटी के नीचे भी कई सब ग्रुप हैं, बाकी इन सब के नीचे नहीं है, लोन के नीचे सब ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी सर अब वो 6 ग्रुप जरा ढूंढते हैं जिनके दो दो नाम हैं। तो देखिए यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को एक और नाम है, रिटेन्ड अर्निंग है, ब्रैकेट में लिखा है, ओके। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंस को एक्सपेंस डायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम को इनकम डायरेक्ट। यहाँ पे क्लियर आपको व्यू दिखता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम को इनकम इनडायरेक्ट, बैंक ओडी को बैंक ओसीसी, दैट्स इट। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स क्लियरली दिख रहे हैं। यहीं से हम चाहे तो लेजर भी देख सकते हैं, तो लेजर देखिए यहाँ पे दिख रहा है कैश, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, दो लेजर बाय डिफॉल्ट बने हैं। आप देख रहे हो ये पतले में लिखा है ना, और ये किस ग्रुप के नीचे है देख लो, कैश इन हैंड के नीचे, और ये किसके नीचे है, तो यहाँ प्राइमरी दिख ही नहीं रहा है लेकिन है ये प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो बात समझ में आई, चार्ट ऑफ अकाउंट। तीसरा तरीका जो है वो बताया गया है कि हम लोग गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके स्टैट्स में चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ स्टैट्स यानी स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा क्या 28 ग्रुप्स। चाहे हो तो यहाँ पे एंटर भी कर लो तो घूम फिर के उसी चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ जाते हो तुम, ठीक है ना। ये जो है ना यही हायरार्की है हमारा, हमारे टैली के अंदर हायरार्कियल स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ग्रुप का, ठीक। अब सवाल उठता है सर 28 ग्रुप्स हम लोग को दिख गए, हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स। अगर हमें ग्रुप बनाना है तो क्या हम और ग्रुप्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्रिएट में जाइए और आप यहाँ पे ग्रुप भी डिसाइड कर सकते हैं, आप और ग्रुप्स बना सकते हैं, आपको उतने अकाउंट क्लासिफिकेशन कम पड़ रहे हैं तो आप और भी बना सकते हो अपनी इच्छा से। तो यहाँ पे भी नेम अगेन भरना है, जस्ट लाइक मैंने एक बनाया आउट, आउट नहीं जाओ मत, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर हम बना रहे तो फिर यहाँ पे देखिए मांग रहा है क्या अंडर ग्रुप। अब देखो अंडर ग्रुप में देखो यहाँ पे हम कुछ भी, अगर हमने इसको डाल दिया किसी भी ग्रुप को एलोकेट कर लिया जो पहले से बने हुए, ये सब पहले से बने ना, अगर इसमें एलोकेट करेंगे तो हमारा ग्रुप सेकेंडरी कहलाएगा, और अगर हमें प्राइमरी बनाना है तो ऊपर प्राइमरी। और जब हम प्राइमरी बनाते हैं ना तो हमें अगेन वो चार अकाउंट याद है, चार अकाउंट होते हैं। फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं तो क्या होता है, फाइनल अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी सॉरी पीएल अकाउंट, उसमें हम एक्सपेंस इनकम दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, लाइबिलिटी एसेट। तो घूम फिर के टैली किसको समझता है, टैली ट्रेडिशनल जो हम लोगों ने पढ़ रखा है पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं मानता है, ये किसको लेके चलता है, जो फाइनल अकाउंट में जो चीज़ें दिखाई जाती है उन्हीं को अकाउंट्स मानता है, यानी कि एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट। तो ये प्राइमरी ग्रुप हम डिफाइन करेंगे, यानी जो भी अकाउंट आप बनाओगे आपको इन चारों में से किसी एक अकाउंट में तो एलोकेट करना पड़ेगा, और अगर प्राइमरी नहीं बना रहे हो तो इन 28 में से किसी को एलोकेट कर दो, इज दैट क्लियर। तो ये सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइमरी बनाना है तो प्राइमरी में जाइए आप, ठीक। फिलहाल तो इतना समझ में आ गया, तो मैं बना नहीं रहा हूँ। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ 28 ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होते हैं आपको पता है, साल के अंत में दो चीज़ें बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो हम लोग सबसे पहले उन ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे जो ग्रुप किससे रिलेटेड हैं, जो ग्रुप रिलेटेड हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो साल के अंत में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो मैंने आपको याद है कल बताया था कि फाइनल अकाउंट में दो चीज़ें होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दो चीज़ें दिखाते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम, सही है, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, जिसमें हम दो चीज़ दिखाते हैं, लाइबिलिटी और एसेट्स, सही है। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है, बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस, और बैलेंस शीट से क्या पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले ऐसे समझेंगे कि देखो एक्सपेंस है, इनकम है, लाइबिलिटी है, एसेट है, घूम फिर के चार अकाउंट है। अभी हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, यानी हम दो अकाउंट की बात कर रहे हैं, एक्सपेंस और इनकम। तो एक्सपेंस में कितने क्लासिफिकेशन है और इनकम में, आप ऐसे समझो वो 28 जो है ना अपने आप जनरेट नहीं हुआ, इसी चार ने जनरेट किया है उन 28ों को,
बात समझ रहे हैं? तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लेते हैं कितने ग्रुप्स होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए यहाँ पे डिफाइन किया है ग्रुप्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इसमें सबसे पहले हम एक्सपेंस की बात करेंगे। एक्सपेंस नॉर्मली हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यही होते हैं एक्सपेंस दो, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट सेंटेंस और एक इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है ना। मैं जीएसटी पढ़ने के बाद टैली पढ़ूंगा, मैं टैली पढ़ने से पहले जीएसटी पढ़ूंगा, बात तो एक ही है। लेकिन सेंटेंस क्या है, दो तरह की, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। इज दैट क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें, यही चीज होती है, खर्चे घूम फिर के दोनों ही खर्चे हैं, खर्चे तो दोनों ही हैं, लेकिन इसको भी क्लासिफाई कर दिया गया एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस हम किसे कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस हम देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखा है, फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेज टू मैन्युफैक्चरिंग, यानी रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक का जो खर्चा होता है उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे मान लो मेरी सुगर फैक्ट्री है, तो सुगर फैक्ट्री को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, गन्ना, सुगर केन। तो सुगर केन परचेज करने से लेकर के सुगर कन्वर्ट करने तक के बीच में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ऑल द एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर। अब सवाल उठता है, सर मान लीजिए सर मेरा ना मेरा मान लीजिए सर मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, मैं सिंपल सा डीलर हूँ, मैं गुड्स खरीद के और बेच देता हूँ। जैसे सिंपल सा ग्रोसरी शॉप वाले क्या करते हैं, वो जैसे खरीदते हैं वैसे बेच देते हैं ना, वो उसको कुछ मैन्युफैक्चर थोड़ी ना कर रहे, तो उनके लिए सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, तो और सिंपल हो गया उनके लिए, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, जितने भी खर्चे परचेज करने तक, परचेज से रिलेटेड जितने खर्चे हैं उनके, यानी मेरी मान लो शॉप है, मैं साहबगंज यानी यहाँ की मंडी से मान लो मैं परचेज कर रहा हूँ गुड्स, तो वहाँ पे गुड्स खरीदना और वहाँ से अपने दुकान तक लाने में जितने खर्चे हो रहे हैं वो सारे खर्चे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लाते समय ढुलाई भी देनी पड़ती है, ये सब चीज़ें भी। तो देखो इसमें दे रखा है, सबसे पहले तो परचेज है, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, बिल्कुल सही। कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब ढुलाई होता है, खरीदते समय अगर हम ढुलाई दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं। वेजेस, हमारी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करेंगे उनको हम क्या देंगे, मजदूरी। फिर फैक्ट्री का मान लो अगर रेंट जा रहा है, फैक्ट्री की मान लो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फिर हम कोई रॉयल्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो रॉयल्टी सर क्या होता है, रॉयल्टी जो ओनर होता है वो लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने पार्ले जी का फैक्ट्री मैंने खोल रखा, तो पार्ले जी मैंने मेरे को लाइसेंस दे रखा है ना कि आप पार्ले जी बना सकते हो, और वो मुझसे क्या लेता है, जितना मैं प्रोडक्शन करता हूँ उस पर एक सर्टेन परसेंट रॉयल्टी हमसे वसूलता है, बिकॉज पार्ले जी उसका ओनर वो है, मैं नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ उससे क्या ले रखा है, अथॉरिटी कि हाँ भाई मैं भी प्रोडक्शन करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने रॉयल्टी एक और जगह देखा होगा, एक फिल्म आप लोगों ने देखी होगी बागबान, है ना, उसमें वो बुक लिखता है और बुक लिखने के बाद वो गलती से पब्लिशर के हाथ में लग जाता है और पब्लिशर उसकी बुक छाप के मार्केट में बेचना शुरू कर देता है, और उसको अमिताभ बच्चन को चेक पकड़ाते जाता है, कहता है सर अभी तो ये शुरुआत है ना, अभी देखिए आपका बागबान कितना गुल खिलाती है, पता नहीं क्या इस तरह का कुछ डायलॉग था, ठीक है ना, मेरे को ठीक से याद नहीं है। तो एग्जैक्टली वो चेक जो दे रहा था वो क्या दे रहा था, कमीशन दे रहा था क्या, नहीं, क्योंकि बुक का ओनर वही थे ना, तो वो जब आप ओनर होते तो आपको कमीशन थोड़ी ना, कमीशन तो एजेंट को मिलता है, तो आप ओनर हो सर आपको क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम रॉयल्टी दे रहे हैं तो यानी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है वो। इम्पोर्ट ड्यूटी, कई बार होता है कुछ रॉ मटेरियल हमारे यहाँ नहीं मिलता, हम इम्पोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, तो खरीदते समय वहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ जाती है, तो वो भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस, प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंस मतलब वो प्राइम पैकिंग के खर्चे की बात कर रहा हूँ जो फैक्ट्री से पैक होके निकलता है। तो जब फैक्ट्री से पैक होके निकल रहा है ना सर, वो क्या है, वो सर जी प्राइमरी पैकिंग है। जैसे आप साबुन या बिस्किट आप खा रहे हो तो उसके ऊपर एक रैपर होता है, वो रैपिंग एग्जैक्टली प्राइमरी पैकिंग होती है, ठीक है। और जब उसको मार्केट में बेचना हो तो बड़े बड़े कार्टन में उसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है, वो कार्टन की जो पैकिंग होती है उसको सेकेंडरी पैकिंग कहते हैं। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो गोरखपुर में चौधरी स्वीट हाउस है, ठीक है ना, तो चौधरी में जब वो हलवाई लड्डू बनाता है, लड्डू बनाने का खर्चा तो डायरेक्ट एक्सपेंस है पक्का, उसके नीचे तो कागज लगाता है, दैट इज द प्राइमरी पैकिंग, ओके। और उसके बाद जब वो चौधरी वाला जब आपको देता है 1 किलो 2 किलो, तो वो एक डब्बे में देता है, दैट डब्बा इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग। तो डब्बे पे भी खर्चा आ रहा है, उस कागज पे भी खर्चा आ रहा है,
वो कागज की कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस, और वो डब्बे की कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि वो सेल से रिलेटेड हो जाता है। प्राइमरी पैकिंग ध्यान रहे डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये था डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, तो रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग करने तक का खर्चा क्या कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत सिंपल है। नाउ सेकेंड, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग टू सेल। मैन्युफैक्चरिंग हो गया ना, अब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद तुम क्या करोगे, गुड्स को अपने पास रखे रहोगे, उसको बेचोगे, तो अब सेल्स से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं उन सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो लिखे आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग टू सेल ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, जो भी खर्चे होते हैं इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? जैसे सर सेल से रिलेटेड बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग में तो सर्टेन एक्सपेंसेस होते हैं, बट अगर हम सेल्स की बात करें वहां तो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, पता नहीं किस किस तरह के खर्चे होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री में बना, तो फैक्ट्री से तो बेचेंगे नहीं, हम शोरूम खोल रखे होंगे, शोरूम या गोडाउन से निकालते होंगे माल, तो वहां तक ले जाने पे खर्चा होगा कि नहीं होगा। कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड है, आउटवर्ड मतलब सेल्स, तो सेल से रिलेटेड जो ढुलाई हम दे रहे हैं। अगला क्या है, पैकिंग एक्सपेंसेस। अब आप समझ में, अगर सिर्फ पैकिंग लिखा है तो सेकेंडरी पैकिंग की बात कर रहे हैं। आज कोई भी प्रोडक्ट बिना पैकिंग के बिकता है क्या? तो पैकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल पता है ना मैनेजमेंट में पढ़ाया भी जाता है कि भाई पैकिंग पे आजकल ज्यादा खर्चा इसीलिए किया जाता है कि ताकि लोग पैकिंग देख के कई लोग परचेजिंग करते हैं। पता है कि नहीं पता, आजकल पैकिंग पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। भाई जाहिर सी बात है तुम्हारा बिजनेस है तो तुम एक जगह ऑफिस तो खोलोगे ना, जहाँ पे अकाउंटिंग शकाउंटिंग होगी, जहाँ पे आप जैसे बंदे लोग काम करेंगे, है ना। तो वहाँ पे ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं, सारा हिसाब किताब मेंटेन करना। टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस में टेलीफोन भी लगा होगा, टेलीफोन के खर्चे आ रहे होंगे। ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, वहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की है तो डायरेक्ट बोला जा रहा है, वही इलेक्ट्रिसिटी अगर ऑफिस की है, क्योंकि ऑफिस में प्रोडक्शन तो होता नहीं है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम तो होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के में जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट। फिर ऑफिस के वर्कर को हम मजदूरी तो देते नहीं है, वहाँ क्या देते हैं, सैलरी। सर एक चीज बताइए, सैलरी और वेजेस में फर्क क्या है? देखिए दुनिया जहान के पता नहीं कितने कितने लोग डिफरेंस पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक सिंपल सा एक मेन डिफरेंस है जो आपको हमेशा पता होना। हाँ बहुत से ये बोलते हैं कि सैलरी का मतलब होता है जो मंथली दी जाती है, वेजेस का मतलब होता है जो डेली वेजेस दिया जाता है, डेली बेसिस पे मिलता है, सही है। लेकिन एग्जैक्टली आप इतना सब मन डिफरेंस याद करिए, बस एक डिफरेंस आपको ध्यान रहना चाहिए, एग्जैक्टली सैलरी जो दिया जाता है वो मेंटल वर्क के अगेंस्ट दिया जाता है, और जबकि वेजेस जो शब्द यूज किया जाता है वो फिजिकल वर्क के अगेंस्ट दिया जाता है। जब आप फिजिकल वर्क करते हैं उसके अगेंस्ट जो आपको दिया जाता है दैट इज कॉल्ड वेजेस। एग्जैक्टली सही जो डिफरेंस है वो ये है जो लॉ में लिखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी दुनिया जहान के पता नहीं क्या क्या डिफरेंस बताएंगे, आई डोंट नो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कमीशन। भाई सेल्स करोगे तो सेल्समैन को कमीशन देना पड़ेगा ना, सेल्समैन रखोगे कि नहीं रखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बोनस देना पड़ता है सर, तो ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और भी बहुत सारे होते हैं सर एक्सपेंसेस, तो ये सब हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये क्लियर हो गया। तो खर्चे सर दो ही तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब सवाल उठता है सर ये परचेज क्यों बना के रखा है, सर ये टैली वालों ने बना के रखा है अलग से एक ग्रुप, सर क्यों बनाया हुआ है? वो इसलिए बनाया रखा है ताकि आप परचेज जब करो, परचेज का जब खाता क्रिएट करो तो सीधे उसे इस ग्रुप में डाल दो, परचेज ग्रुप में। किसमें? परचेज ग्रुप में सीधे एलोकेट कर दो। यहाँ लिखा भी देखो, ये जो परचेज ग्रुप बनाया गया है ओनली परचेज एंड परचेज रिटर्न। कल को ये दो खाता बनाओगे परचेज का या परचेज रिटर्न का, कम्स अंडर दिस ग्रुप, तो उसको किस ग्रुप में रखोगे, परचेज अकाउंट में। समझ गए? तो ये ग्रुप टैली वालों ने अलग से बनाया, वरना आपसे कोई पूछे एक्सपेंस कितने तरह के होते तो आपको यही बोलना है डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज नहीं बोलना है, क्योंकि परचेज तो ऑलरेडी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आता है। अब देखो मैंने यहाँ पे परचेज के सामने क्रॉस लगाया, क्यों क्रॉस लगाया? मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि परचेज जब आप टैली के अंदर लेजर बनाएंगे तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं रखेंगे, उसके लिए अलग से बना हुआ है क्या, परचेज। ठीक है, तो चूंकि टैली वालों ने उसके लिए ग्रुप बना के रखा है तो उसे यूज करो ना। सर मैं अगर परचेज का अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस डाल दूं तो कुछ गलत हो गया? नहीं, एज पर अकाउंट तुम गलत नहीं हो, बट एज पर टैली तुम गलत हो गए,
क्योंकि टैली वालों ने परचेज के लिए अलग से परचेज का ग्रुप बना के रखा है, तो उसको एलोकेट करो ना। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारे, हमने एक्सपेंस पढ़ लिया। अब करना क्या है जरा देखिए। अब आपने जो नया टैली, अब आज क्या करना है आपको, असाइनमेंट नंबर 2 नहीं करना है अभी, आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करोगे? अब आप टैली खोला, एक नई कंपनी बना लिया। कंपनी बनाने के बाद यू कैन से प्रैक्टिस कंपनी भी नाम दे सकते हो कि हम अभी लेजर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेजर प्रैक्टिस। और यहाँ पे क्रिएट पे आओ और यहाँ पे लेजर पे जाओ और क्रिएट करना स्टार्ट करो। सबसे पहला लेजर देखो किस चीज़ का है, परचेज। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंस के लेजर्स बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया, परचेज। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ परचेज। परचेज का अंडर क्या होगा, तो पी दबाइए, परचेज अकाउंट, सही है, ऐसे लगाइए और फिर कंट्रोल है, इंटर इंटर, या तो करिए, मेहनत करिए, एक्सेप्ट यहाँ तक करिए, या सबसे अच्छा तरीका क्या है, कंट्रोल। अगला लेजर किस चीज़ का बनाना है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, ठीक है ना। परचेज रिटर्न भी अंडर किस में होगा, परचेज अकाउंट। सर कैसे बता परचेज अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी देखो एसी ग्रुप का भी हम लेजर बना रहे हैं। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंस के लेजर्स बनाएं। इसके अंदर देखो एग्जांपल पकड़ लो, परचेज बनाना नहीं है, परचेज बना चुके हैं। अगर गलती से हम परचेज यहाँ बनाएंगे भी क्या बोलेगा, उप्स, क्या बोल रहा है, पहले आह बोलता था, पहले ई एच आता था, अब क्या आ रहा है, उप्स आ रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स प्रॉब्लम है, कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब ऑलरेडी बना हुआ है, तो दोबारा मत बनाइए। अब कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, कंट्रोल है। अब अगला जो देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड हो गया, फिर वेजेस बनाना है, वेजेस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री रेंट बना रहे अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। इसी तरह से रॉयल्टी बनाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल है, सही है। इसी तरह से अगला इंपोर्ट ड्यूटी, प्राइमरी पैकिंग आप बना लेंगे, आप लोग को बनाना है, ध्यान रहे, एक एक चीज़ की प्रैक्टिस। नाउ नेक्स्ट, अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करेंगे। अब कौन से ग्रुप का लेजर बनाएंगे, तो इसमें देखिए क्या रहा है, कैरिज आउटवर्ड, ये क्या है, इनडायरेक्ट, तो यहाँ आई दबाया जाए, अब सर उठता है, सर देखो इसके दो नाम होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो या एक्सपेंस इनडायरेक्ट बोलो। तो अब जो अकाउंट के बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है इनडायरेक्ट पढ़ने की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो आई दबाएंगे इनडायरेक्ट के लिए। लेकिन जो अकाउंट का बच्चा नहीं है वो आई नहीं दबाएगा, वो एक्सपेंस के लिए ई दबाएगा। तो ई जब दबाएगा तो उसमें दिखा देगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो हम लोग अभी कौन सा बना रहे हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हो, बात एक ही है, बात तो एक ही है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलो या एक्सपेंस। तो जैसे कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर ये क्यों दो दो नाम क्यों लिखाया गया, तो ये यही रीजन है कि कई लोग क्या दबाते हैं, ई दबाएंगे, क्योंकि दे एक्सपेंस, वो एक्सपेंस पहचानते हैं, एक्सपेंस डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं अकाउंट वाले, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम लोग के मुंह से अपने आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकलता, वो एक्सपेंस निकलता उनके मुंह से, कंट्रोल है। नेक्स्ट अगला क्या है, पैकिंग एक्सपेंस, ये भी इनडायरेक्ट है, कंट्रोल है। इसी तरह से किसका बन जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, टेलीफोन एक्सपेंस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, मैं सैलरी बना देता हूँ। इस तरीके से आप सारे लेजर्स बनाते चले जाएंगे, कमीशन, बोनस बन जाएगा। तो कमीशन का भी अंडर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बोनस का भी अंडर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सब इसी के ना एग्जाम्पल है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सपेंसेस में, ये तीनों, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और, तो मैं यहाँ पे आपको देखो लिख रहा हूँ, टोटल हम लोग ने पढ़े थे 28 ग्रुप्स है ना, 28 में से प्राइमरी कितने थे, 15। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्राइमरी 15 होते हैं, उस 15 में से हमने तीन तो क्लियर कर लिए, तो बचे कितने, ठीक है, 12। तो तीन कौन सा डिस्कशन किए, सिर्फ एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस को तीन क्लासीफाई किया है, तीन तरीके से क्लासीफाई किया, एक परचेज, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम इनकम की बात करें, इनकम को भी इसी तरह से डिफाइन किया है। इनकम कितनी तरह की होती है, दो, डायरेक्ट इनकम और एक इनडायरेक्ट इनकम, है ना।
तो चलिए देखते हैं डायट इनकम इन डायट क्या होता है। डायट इनकम किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे व्हाट इज इनकम रिसीव फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो इनकम आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनकम। मेन बिजनेस एक्टिविटी मतलब मान लीजिए मैं कंप्यूटर सेल्स कर रहा हूँ, मेरा ये काम है, मैं शाही मार्केट में मेरा शॉप है, तो मेरा काम कंप्यूटर बेचना है, तो कंप्यूटर बेचने से जो मैं इनकम कमा रहा हूँ उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट इनकम। बात समझे कि नहीं समझे? अब मैं गीता प्रेस में मेरी कपड़े की गारमेंट की शॉप है, तो मैं गारमेंट्स बेच रहा हूँ, तो मैं गारमेंट बेच के जो कमा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम। समझ रहे हो ना? अब मैं डॉक्टर हूँ, मान लो हूँ नहीं, डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर रहा हूँ, मैं फीस लेता हूँ, तो फीस मेरे लिए क्या हो गई? डायरेक्ट इनकम। समझ गए? तो देखिए इनकम रिसीव फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी, जो मेन आपका काम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, जिस पैसे को कमाने के लिए दिन रात मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हो, दिन रात जिसके लिए मेहनत कर रहे हो सर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उससे जो इनकम आ रही है वो डायरेक्ट इनकम है। जैसे बिजनेसमैन के लिए सेल्स, बिजनेसमैन क्या करता है? सेल करता है, बिक्री करता है, सेल मतलब बिक्री, तो सेल कर रहा है, सेल से जो इनकम आ रही है उसके लिए डायरेक्ट इनकम। फीस रिसीव बाय प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स होते हैं सर, प्रोफेशनल कौन? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, है ना, इवन टीचर्स जो फीस लेते हैं उनके लिए वो क्या है? डायरेक्ट इनकम। समझ रहे हैं? उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात। अब सर्विस चार्ज बाय सर्विस सेंटर्स, बहुत सारे सर्विस सेंटर्स नहीं होते जो सर्विस चार्ज लेते हैं, ठीक, तो वो सर्विस चार्ज उनके लिए क्या हो गई? अगर बजाज का सर्विस सेंटर है, हीरो होंडा का सर्विस, सॉरी हीरो अलग है होंडा अलग, सॉरी, तो हीरो का सर्विस सेंटर है, तो वो जो सर्विस चार्ज ले रहा है उनके लिए क्या है? वो डायरेक्ट इनकम है। सही है कि नहीं सही है? तो डायरेक्ट इनकम समझ में आ गया। अब सेल्स के आगे क्रॉस क्यों लगाया, कुछ कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अभी आगे और क्लियर करेंगे। इनडायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? इनकम रिसीव फ्रॉम अदर देन मेन बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी के अलावा अगर कहीं से इनकम आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का, सेल होता है, मैं पैसा उठा के बैंक में जमा कर देता हूँ, बैंक में कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, क्या मिल जाता है? तो ये ब्याज जो आ रही है हमारे लिए क्या है? कि मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बात समझे कि नहीं समझे? या बगल वाली शॉप से ना कुछ सेल करा दिया, किसी कस्टमर को भेज दिया, उसने मेरे को कुछ कमीशन दे दिया, तो वो कमीशन क्या है मेरे लिए? इनडायरेक्ट इनकम। तो ध्यान रखना, कभी रट्टा मत मारना कि सर कमीशन मिला तो इनडायरेक्ट इनकम, सर ने पढ़ाया था, रट्टा मार लो, नेवर। यू शुड टू सी वेयर कमीशन रिसीव्ड। अगर वही कमीशन खोर है, सॉरी मतलब जो कमीशन का काम ही कर रहा है, जैसे एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट्स, आप LIC के एजेंट हो, तो एजेंट हो तो भाई जाहिर सी बात है आपको क्या, आप कमीशन से ही आप कमा रहे हो, दिन रात आप LIC के इंश्योरेंस बेच रहे हो, है ना, तो उस केस में अब आप जो कमीशन पा रहे हो आपके लिए क्या है सर? अब समझ में आया? तो नेवर कभी रट्टा मत मारना कि ये चीज डायरेक्ट इनकम होती है इनडायरेक्ट। तुम्हें देखना पड़ेगा एग्जैक्टली हम कहाँ पे देख रहे हैं। जैसे तुमने, मैंने बोला इंटरेस्ट मिला तो इनडायरेक्ट इनकम, लेकिन वही अगर बैंक ने इंटरेस्ट कमाया तो उसके लिए क्या है? क्योंकि उसी के लिए तो काम कर रहा है सर। बैंक की मेजर इनकम कहाँ से आती है? ब्याज से, इंटरेस्ट से, ठीक है, तो बैंक का इंटरेस्ट में बहुत इंटरेस्ट है। समझ रहे हैं? तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिलहाल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट रिसीव है, चलो ठीक है, कमीशन रिसीव इन्होंने इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिया। डिविडेंड रिसीव इनडायरेक्ट, डिविडेंड मतलब क्या होता है? शेयर में जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी से डिविडेंड मिल जाती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रेंट रिसीव, किराया मिल रहा है, बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं ना, अपने शॉप में छोटी सी प्लेस होती है, उसको किसी और को भी दे देते हैं किराए पे, सबलेटिंग उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलेटिंग। जैसे देखा होगा गारमेंट्स वाले बाहर एक दर्जी को दे देते हैं जगह, ठीक है, और जो शूज की शॉप होते हैं बाहर वो लोग मोची लोग को दे देते हैं जगह। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केस है, तो उनसे कुछ पैसे भी वसूल लेते हैं, तो उनकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। क्या होगी? तो रेंट रिसीव। लेकिन मान लो मैंने बलदेव प्लाजा बिल्डिंग बनाया, अब ये बलदेव प्लाजा मैंने किस लिए बनाया था? इसीलिए बनाया है ताकि रेंट पे उठाऊंगा, अब मैं रेंट कमा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या हो गया? तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में डिफरेंस क्लियर हो गया। चलिए, लेकिन आप सॉरी सर, यहाँ बताइए सर, टैली के अंदर एक सेल्स भी बनाया है, समझ गए होगे कि सेल्स का लेजर जब भी बनाएंगे, या सेल्स के लेजर के लिए टैली ने अलग से एक सेल्स का ग्रुप बना के रखा है। तो देखिए यहाँ पे दिया सेल्स, ओनली सेल्स, सेल्स ग्रुप किसके लिए? ओनली सेल्स एंड सेल्स रिटर्न लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं?
इसीलिए देखिए सेल्स के सामने क्रॉस लगाया कि सेल्स का अगर अंडर डायरेक्ट इनकम डालोगे तो एज पर अकाउंटिंग आप गलत नहीं हो, बट एज पर टैली आप गलत हो गए। चलिए देखते हैं, अब बना लेते हैं कुछ। सेल्स, सेल्स का अंडर क्या होगा? सेल्स अकाउंट, ये ग्रुप में से सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स अकाउंट हो गया, कंट्रोल ए। सेल्स रिटर्न अंडर क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। अब जा देखते हैं यहाँ पे, ये तो सेल्स बनाना नहीं है, क्रॉस मैंने कर दिया पहले ही, नहीं बनाना है। फीस रिसीव बाय प्रोफेशनल और क्या है, सेल्स सीधे सीधे, सॉरी सेल्स हो ही गया, चलो फी रिसीव कर लेता हूँ। फी रिसीव डायरेक्ट इनकम डाल दे रहा हूँ फिलहाल, मैं पॉइंट ऑफ व्यू प्रोफेशनल का ले रखा हूँ, छोड़िए। और क्या, सर्विस चार्ज बाई सर्विस सेंटर, ये भी आप बना सकते हैं अंडर डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में क्या बनेगा? इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव क्या है? इनडायरेक्ट इनकम फिलहाल, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, कहीं हमें डिस्काउंट मिल गया, ये तो मैं अपनी तरफ से बना दे रहा हूँ। डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम हो गया। अब हम लोग का इनडायरेक्ट चलेगा, इनडायरेक्ट इनकम डायरेक्ट इनकम, और जो नॉन अकाउंट वाले सीधे इनकम दबाएंगे आई, तो देखेंगे इनकम डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट है, ऐसे भी डाल सकते, ठीक। चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया, सब लोग एक बना लेंगे। मैं यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो इतने लेजर्स आपको बनाने हैं, तो हमने करीबन 6 वो ग्रुप्स पढ़ लिए, तो 15 में से हमने कितने पढ़ लिए? 6। कितने बचे? अब 9 ग्रुप्स यानी किससे रिलेटेड होंगे? बैलेंस शीट से। और आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई सब ग्रुप नहीं होता, कोई सब ग्रुप नहीं, सब प्राइमरी ग्रुप है। इवन परचेज, इवन डायरेक्ट एक्सपेंस, सब प्राइमरी ग्रुप्स है, कहीं कोई इसके अंदर कोई सब क्लासिफिकेशन और नहीं किया गया। जो आपको सब ग्रुप मिलेंगे बैलेंस शीट में, यानी इसी 9 के अंदर ही और क्लासिफिकेशन, जो 13 तो सब ग्रुप आप हैं वहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं। तो 9 ग्रुप्स की बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? बैलेंस शीट। अब ग्रुप्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या चीज दिखाई जाती है? ऊपर आपने देखा था दो चीज दिखाई जाती है, लाइबिलिटी एसेट्स, ठीक। लाइबिलिटी मतलब जो हमें चुकाना है, और एसेट मतलब जो हमारा अपना है प्रॉपर्टी। तो ग्रुप्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, देखिए लाइबिलिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? ब्रांच एंड डिवीजन। दूसरा कैपिटल अकाउंट। तीसरा लोन लाइबिलिटी एंड सस्पेंस अकाउंट। तो पहले इनको समझते हैं। सबसे पहले ब्रांच एंड डिवीजन किस लिए बनाया गया? क्या होता है, हम अपने बिजनेस को, हर एक बिजनेसमैन चाहता है अपने बिजनेस को क्या करना है, इस मतलब एक्सपेंड करना, बढ़ाना। तो वो क्या करता है, एक जगह शॉप खोलता है, फिर इसके बाद एक और ब्रांच कोशिश करता है, एक और जगह दुकान खोला जाए, एक और जगह दुकान, इस तरीके से बहुत सारे ब्रांचेस खोल के रखता है। बाकी टाटा रिलायंस ये सब आपने देख ही रखा है, इन सब ने क्या किया, अपने ब्रांचेस धीरे धीरे बढ़ाए, है ना। वो आपकी कॉलोनी में एक राशन की दुकान होगा जो आज भी वहीं पर काम कर रहा है, जो आप छोटे थे तब भी वहीं काम कर रहा था, वही एक दुकान थी, आज भी उसी दुकान पर, वो एक्सपेंड नहीं कर पाया अपना बिजनेस। बात समझे कि नहीं समझे? तो जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, सपोज करो तुमने दिल्ली में भी एक ब्रांच, सॉरी देवरिया में भी एक ब्रांच खोल लिया, खलीलाबाद में भी एक ब्रांच खोल लिया, अलग अलग जगहों पे आपने ब्रांच खोल रखा है, तो उस ब्रांच की भी अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? और उस ब्रांच का हिसाब किताब रखना किसकी लाइबिलिटी है? हमारी ही लाइबिलिटी है। तो इसलिए ब्रांच एंड डिविजन हमारा देखो किस साइड में है, लाइबिलिटी साइड में। और ये ब्रांच एंड डिविजन कब बनाने की जरूरत पड़ती है? जैसे मान लो मैं देवरिया ब्रांच है उसका लेजर बनाता हूं, तो अंडर क्या रखूंगा? ब्रांच एंड डिवीजन। तो लिखा है नीचे ब्रांच एंड डिवीजन के बारे में, ऑल ब्रांच एंड ब्रांचेस लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। फॉर एग्जांपल दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच अंडर ब्रांच एंड डिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन अंडर ब्रांच एंड डिवीजन, ठीक। और एक और चीज बता दो, ये बनाने की किस केस में जरूरत पड़ती है? अगर आपका बिजनेस डिसेंट्रलाइज मैनर में काम कर रहा है। सर दो तरह का बिजनेस होता है, एक हम अपने बिजनेस को सेंट्रलाइज मैनर में चला रहे हैं और एक होता है डिसेंट्रलाइज मैनर में चला रहे हो। तो डिसेंट्रलाइज मैनर में जब चलाते तभी ये ब्रांच ब्रांच का लेजर बनाना पड़ता है। और सेंट्रलाइज मैनर का मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज मैनर का क्या मतलब होता है, जरा जल्दी से समझिएगा।
सेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि सारा का सारा जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी सारी अकाउंटिंग बुक्स सब कहाँ मेंटेन हो रहा है, एक जगह मेंटेन हो रहा है, यू कैन से हेड ऑफिस में मेंटेन हो रहा है। और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है सारे ब्रांच अपना अपना हिसाब किताब अपने अपने ब्रांच में रखते हैं, समझ रहे हो? तो जब सारे ब्रांच अपना अपना हिसाब अपने अपने ब्रांच में रख रहे हैं, फिर वो उनसे रिपोर्ट हेड ऑफिस को मांगना पड़ता है, तब वो आप देते हैं, देन वो अपना कंसोलिडेट करता है, इकट्ठा करके वो बनाता है रिपोर्ट, तो उसको डिसेंट्रलाइज मैनर कहते हैं। और आप लोगों को पता है इस समय ईआरपी सिस्टम्स चल रहे हैं, और ईआरपी के केस में आप देख रहे हो सब जगह क्या चल रहा है, सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है। तो आपको बता दूं इस समय करीबन 80% बिजनेस, 80-90% बिजनेस करीबन सेंट्रलाइज मैनर में वर्क कर रहे हैं। तो मे भी बहुत कम ही ऐसी जगह है जहां पे इस तरह का काम आपको पड़ेगा, इज दैट क्लियर? लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए ब्रांच एंड डिवीजन भी एक ग्रुप है। दूसरा है कैपिटल। क्या है कैपिटल? क्या होता है? ओनली कैपिटल एंड ड्रॉइंग लेजर कम अंडर दिस ग्रुप। कल को अगर हम कैपिटल एंड ड्रॉइंग का लेजर बनाएंगे तो इसको ग्रुप में रखेंगे। वैसे कैपिटल होता क्या है? बिजनेसमैन जो भी पैसा अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, सपोज मैं अपने बिजनेस में 1 रुपया भी डाल दूँ ना, दैट इज दैट बिकम कैपिटल, समझ लो। मैं अपने बिजनेस में 1 रुपया भी डाल दूँ ना, उसको कैपिटल कहते हैं। लोग कहते हैं तुमने कैपिटल देखा है? तो हाँ देखा है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं कैपिटल हूँ। नहीं समझ में आया? एग्जैक्टली कैपिटल आपने पढ़ा था, मैंने पीछे पढ़ाया भी था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को, पर्सन को, जो बिजनेसमैन है उसको। तो बिजनेसमैन जो अपनी जेब से जितना पैसा अपने बिजनेस में डाल रहा है सर, दैट इज बिकम कैपिटल, ठीक है? और कभी कभी वो अपने बिजनेस से कुछ ड्रॉ भी करता है, ड्रॉ मतलब निकालता भी है, जरूरत भी पड़ती है। और ये ड्रॉइंग रेगुलर एक्टिविटी, हर महीने निकालेगा ही निकालेगा कुछ ना कुछ घर के खर्चे के लिए। क्या वो वेट करेगा? नहीं, साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा तो इनकम आएगी तो उसमें से निकाल लेंगे, फिर घर के लिए सब्जी ले जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। हर महीने वो कुछ ना कुछ अपने बिजनेस से ड्रॉ करता रहता है, अपने खर्चे चलाने के लिए, खर्चे को मैनेज करने के लिए। तो इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी ड्रॉइंग। तो कैपिटल बनाओगे तो भी अंडर कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग बनाओगे तो भी अंडर कैपिटल अकाउंट ही डालोगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट में से ही ये ड्राइंग का पैसा क्या होगा? माइनस। अगर मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख लगाया, उसमें से मैंने 10,000 रुपये निकाला, तो मेरी कैपिटल कितनी रह गई? 90,000। तो उसी कैपिटल में से तो माइनस होगा। अब ये देखो लिखा अमित्स कैपिटल, रोहित्स कैपिटल, इसका मतलब क्या है? अगर दो पार्टनर है, दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ पैसा अमित ने लगाया, कुछ पैसा रोहित ने लगाया। तो रोहित जो पैसा लगाया उसको रोहित कैपिटल बोला जाएगा, अमित जितना कैपिटल लगाया उसको अमित कैपिटल बोला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, देन क्या है? अभी हम सब ग्रुप को नहीं स्टडी करने वाले हैं, कैपिटल के अंदर एक सब ग्रुप है, रिजर्व एंड सरप्लस को बाद में स्टडी करेंगे। सर व्हाट इज करंट लायबिलिटी? दोज लायबिलिटी व्हिच वी हैव टू पे विद इन अ ईयर, ऐसी लायबिलिटी जो हमें साल भर के अंदर चुका दे। लायबिलिटी मतलब होता क्या है? जो हमें चुकानी है, विच वी ओ, जो हमने ओ किया हुआ है, ओड किया हुआ, उधार लिया हुआ है। अगर हमें ऐसी लायबिलिटी है जो हमें साल भर के अंदर चुका देनी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट लायबिलिटी। कितने समय के अंदर चुका देनी है? साल भर के अंदर। जैसे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, घर पे टेलीफोन का बिल का आ गया है या इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, लेकिन हमने अभी तक दिया नहीं है, तो सर बकाया है। कितने दिन तक रोक के रखोगे? 1 साल, 2 साल? बिजली काट देंगे, आजकल तो लिखा रहता है ड्यू डेट इतना है, 10 दिन बाद बिजली कट जाओ अगर नहीं जमा किए तो जल्द से जल्द हमें जमा करना है। इट्स अ करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन, सेंडरी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब के सब क्या है? करंट लायबिलिटी है। नीचे आते हैं, सब ग्रुप अभी नहीं स्टडी करेंगे। लोन लायबिलिटी, लोन समझते हैं ना? लोन जो हम लोग लेते हैं किससे? आउटसाइडर से। किससे? तो वही अमाउंट विच वी बोरो, जो हम बोरो किए, बोरो मतलब उधार लेना, किससे? आउटसाइडर से। सर आउटसाइडर मतलब एक इनसाइडर होता है, एक आउटसाइडर। सर ये अब इनसाइडर कौन होता आप बताए नहीं? इनसाइडर मतलब बिजनेसमैन, बिजनेसमैन अपना ही आदमी है भाई, उसी का तो बिजनेस है। लेकिन जो बिजनेस, जो अब आउटसाइडर का मतलब क्या हो गया? बिजनेसमैन के अलावा किसी से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, रिलेटिव से ले रहे हैं, दैट इज अ लोन, उसको हम लोन दिखाते हैं।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर एक होता है सस्पेंस अकाउंट। सर ये क्या चीज होती है, क्या कौन सी नई बला है सस्पेंस अकाउंट? तो यहाँ लिखा भी ओनली सस्पेंस लेजर कम्स अंडर दिस ग्रुप। कल को सस्पेंस का अगर खाता क्रिएट करना पड़ा तो सस्पेंस अकाउंट में डालिएगा। ये था लाइबिलिटी। सवाल तो सर सस्पेंस एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे। इसमें है क्या, देखिए जैसे आपके जेब में है आज 500 रुपये, आपने 250 रुपये खर्च किए दिन भर में, है ना। घर गए, घर में जब जा रहे हो, जब सोने से पहले एक बार पर्स चेक किए और देख रहे हो 200 रुपये पड़े हुए हैं, तो हो जाएगा माथा खराब। कहोगे यार 500 रुपये थे, 250 रुपये तो खर्च हुए, मेरे दिमाग से जितना याद आ रहा है 250 रुपये खर्च हुए, तो बचना चाहिए 250 रुपये। 200 रुपये कहाँ से बच रहे हैं, 50 रुपये कहाँ गया? अब दिमाग में टेंशन बनी रहेगा, 50 कहाँ गया, 50 कहाँ, कहीं गिर तो नहीं गया, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, हेन तेन, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आएगा, और मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। अब अगर तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है, 1 लाख आया था है ना, खर्च हुआ है 20 हजार, तो होना चाहिए 80 हजार, लेकिन काउंटर में देख रहे हो तो 78 हजार है, 2 हजार कहाँ गया? अब क्या करोगे, रात भर तुमने मिलाया, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, सोच रहे हो क्या करें क्या करें क्या करें, तो क्या करोगे, वहीं ऑफिस में बैठे रहोगे? नहीं सर जी, 2 हजार नहीं मिल रहा है, नहीं पता चल रहा है, कहीं ना कहीं तो गया है ना। आप फिलहाल उसको सस्पेंस में दिखा दो। क्या दिखा दो? सस्पेंस है, सस्पेंस मूवी देखते हो ना, थ्रिलर मूवी, ठीक है ना। तो जो सस्पेंस अकाउंट है आप दिखा लो 2000 रुपये, और कल को फिर आना ऑफिस में, अगर पता चलेगा तो सस्पेंस हटा के उस खर्चे का नाम लिख लेना। तुमको पता चला बाद में, ध्यान आया, अरे यार 50 रुपये तो अलाइना लेके गई थी हमसे, अलाइना कल लेके आ रही, 50 रुपये ले लो यार, कल लिए थे ना, और अरे तुम लेके गई थी 50 रुपये, दिमाग मेरा खराब हो रखा था। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से सस्पेंस का लेजर अगर बनेगा तो अंडर सस्पेंस डालिए। और देखो सस्पेंस को क्यों लाइबिलिटी में रखा है, क्योंकि वो तुम्हारी लाइबिलिटी है कि वो सस्पेंस को क्लियर करना। आज तो सस्पेंस चढ़ा के निकल लिए, लेकिन ये सस्पेंस क्या करना है, सही भी करना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, इसलिए लाइबिलिटी साइड में रखा हुआ है। फिलहाल सस्पेंस रहेगा, फिर अगले साल देखना। तो सस्पेंस तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना, मैंने पढ़ाया भी था, आगे पढ़ाऊंगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग कब्रिस्तान बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और बैलेंस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉली। जो भी चीज तुम यहाँ पे एक्सपेंस इनकम साल के अंत में बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, यहाँ पे हम खर्चे इनकम दफन कर रहे हैं, दफन कर रहे हैं, उसे बस एक निचोड़ निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाट प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट ले जाके हम कैपिटल में ले जाके जोड़ देते हैं, एक्सपेंस इनकम को वहीं छोड़ देते हैं, प्रॉफिट को यहाँ जोड़ देते हैं, एक्सपेंस इनकम को वहीं छोड़ देते हैं। क्या राइमिंग हो गई, नहीं? अच्छा गुड। तो ध्यान रखिए, अब जो भी चीज बैलेंस शीट में आती है ना, लाइबिलिटी एसेट में, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग, ये क्लोज नहीं होती, साल खत्म होता है तो लाइबिलिटी एसेट क्लोज हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा, तो हम बैंक से लोन लेते, कहते साल खत्म, लोन खत्म, तो आप लोन लियो तो अगले साल चुकाइए, कैरी फॉरवर्ड होगा वो। लेकिन क्या चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं होता सर? एक्सपेंस इनकम कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, क्योंकि इस साल के खर्चे, इस साल की इनकम यहीं पे दफन करेंगे, नए साल में नए खर्चे होंगे, नए इनकम होगी और नई आप प्रॉफिट आएगा। इज दैट क्लियर? सो दिस वे वी कैन से दिस इज कब्रिस्तान, ठीक है ना। बट ये किसी इंटरव्यूअर के सामने मत बोलना, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर, इट्स अ कब्रिस्तान। नो डोंट से, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो हम लोग ने लाइबिलिटी हमने स्टडी कर लिया, लाइबिलिटी साइड में हमने देखे 5 ग्रुप होते हैं, ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल, करंट लाइबिलिटी, लोन और सस्पेंस, ये हैं ग्रुप्स। एसेट में ज़्यादा नहीं है, बस 4 हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज एसेट? एसेट का मतलब होता है जिससे, जो हमें हेल्प करे, ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें हेल्प करे इनकम कमाने में, रेवेन्यू कमाने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दो तरह की एसेट होती है, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी एसेट जो हमें हेल्प कर रही है क्या, इनकम कमाने में। एक टेम्पू वाला टेम्पू चलाता है और उस टेम्पू से कमा रहा है, तो उसके लिए वो टेम्पू क्या है, एसेट है, पहली चीज तो एसेट है। अब सोच लो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है। फिक्स्ड एसेट ऐसी एसेट होती है जो हमें कमाने में कई सालों तक मुझे मदद करती है, मोर देन अ ईयर हम उसे कमाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स।
और अगर उस एसेट से साल भर के अंदर कमा लेंगे तो करंट एसेट। ठीक, तो देखो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, डेफिनेशन यहाँ देखो करंट एसेट में लिखा है, दोज एसेट्स बाय विच वी अर्न प्रॉफिट या फिर कह लो रेवेन्यू विद इन अ ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल बिल रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो, एडवांस सैलरी, इससे नहीं समझ में आएगा। करंट एसेट सीधा सीधा कैश है, कैश जो कैश आपके पास पड़ा है वो करंट एसेट ही है। करंट एसेट के लिए एक और बात कही जाती है, जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो कैश तो अपने आप में लिक्विड है तो करंट एसेट हो गई, बैंक में जो पैसा पड़ा वो भी करंट एसेट है, जो दुकान में स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, ये देखो स्टॉक, स्टॉक इन हैंड, जो दुकान में जो स्टॉक पड़ा है वो भी तो करंट एसेट है। एक दुकानदार दुकान में जो स्टॉक रखा है वो खरीदता है, वो कब बेचेगा, सोचेगा 4 साल बाद बेचेंगे, सर एज सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी बिक जाए उसका प्रॉफिट निकल आएगा, सही कि नहीं सही है। तो ये हो गए करंट एसेट, ऐसे एसेट जिससे हम लोग रेवेन्यू कमा लेंगे विद इन अ ईयर। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल, वो गन्ने का जूस जो निकाल के बेच रहा है, वो जो गन्ने का जो जूस निकाल रहा है जिस मशीन से निकाला, वो मशीन उसके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, कई सालों तक चलेगा। लेकिन वो बेच क्या रहा है, जूस, और जूस किससे निकला, गन्ना, तो हर दिन गन्ना लेके आता है, वो गन्ना उसके लिए क्या है, गुड्स है, स्टॉक है, तो गन्ना उसके लिए बताइए कौन सी एसेट हुई, करंट एसेट, निकाला जूस का तो स्टॉक, सही है। तो ये करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट भी क्लियर। सर अगला इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, हम लोग क्या करते हैं कंपनी में कई बार कैश पड़ा रहता है, उस कैश को हमें फिलहाल कोई यूज नहीं है, तो हमको लगता है कि यार ये कैश अगर काउंटर में रखेंगे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हम क्या करते हैं इस कैश को फिलहाल अभी यूज नहीं है, मेरे को 10 दिन तक फिलहाल कोई यूज नहीं है, 5 या 15 दिन तक इस कैश का कुछ यूज नहीं है, तो हम क्यों ना इसको ना बैंक में एफडी कर दें। तो यू कैन डू 10 डेज की एफडी भी कर सकते हो, 15 दिन की एफडी, 7 दिन की भी एफडी होती है, बट ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना। अब तुम 5,000 लेके जाओगे बैंक में एफडी करने, 4-7 दिन का भगा देगा, है ना। लेकिन वहीं अगर 10-15 लाख रुपए लेके जाओगे, 7 दिन की एफडी ले लेगा तुरंत, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन होता है। आप बैंक में एफडी क्यों कर रहे हो, ताकि उस पर कुछ ब्याज मिल जाए, अभी काउंटर में रखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो वो होता है क्या, ग्रोथ के लिए, हम अपने पैसे को और ग्रो करना चाहते हैं, इसके लिए हम पैसे को कहीं लगाते हैं, चाहे हम शेयर में लगा दें, म्यूचुअल फंड सही है, बड़ा ऐड आता है, ठीक है ना, तो म्यूचुअल फंड में लगा दें, शेयर्स में लगा दें, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें, तो वहां पे क्या होता है, हमें कुछ ब्याज मिल जाता है, कुछ हमारा ग्रोथ हो जाता है पैसे में। तो अगर हम अपने पैसे को कहीं भी ग्रोथ के पर्पज से लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ गया। लास्ट है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में एसेट, ठीक है, मुझे पता है आज बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन खत्म करते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में एसेट ये क्या होता है, बड़ा ही नया चीज है, बड़ा ही डिफरेंट चीज है, बड़ा ही मजेदार चीज है, पढ़ने में मजा एकदम नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी कहने मैं कह देता हूं ताकि आप लोग मजा लो। देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में एसेट है क्या, बेसिकली खर्चे जो होते हैं ना, खर्चे, आप देखो एक्सपेंडिचर्स की मैं बात कर रहा हूं, बिजनेस में खर्चे 3 तरह के होते हैं, एक क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं ना उस पे जो भी खर्चा हो रहा है, मैंने कंप्यूटर खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने मशीन खरीदा, अब वो खर्चा जो मैंने किया उसका फायदा मुझे कई सालों तक मिलेगा, इस तरह के खर्चे को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल, एक नया टर्म है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका फायदा मुझे मोर देन अ ईयर मिले उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब कई ऐसे खर्चे होते हैं जिसका फायदा हम जिस साल करते हैं उसी साल में उसका फायदा मिल जाता है, जिस साल हमने खर्च किया उसी साल में हमने उसका फायदा उठा लिया, जिस महीने किया उसी महीने उसका फायदा उठा लिया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सर बिजली, 1 महीना यूज किया पैसा दे दिए, फिर अगले महीने यूज किया फिर पैसा देना पड़ता है, सैलरी, एम्प्लॉय से काम कराया फिर सैलरी दे दिए, तो जिस महीना सैलरी दिया उस महीना उससे काम ले लिए ना, नहीं समझे कि हम एक बार सैलरी देंगे नहीं नहीं तुम जिंदगी भर मेरे लिए काम करोगे, ऐसा होता है क्या, नहीं, हर महीना खर्च करना पड़ेगा, हर महीना पैसा देना पड़ेगा,
या एक बार एडवांस रेंट दे दिया मकान मालिक को, अब सर अब मैं यहीं रहूंगा सर, है ना, 3-4 साल तक। तो भैया 3-4 साल तक रेंट भी देना पड़ेगा, एक बार रेंट देके तो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया, जो खर्चा हमने किया उसका फायदा हमें उसी साल में मिल गया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक होता है डेफर्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ये क्या होता है? तो देखो नाम से सबको क्लियर हो रहा होगा, डेफर्ड है तो ये भी रेवेन्यू ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसका फायदा आपको उसी साल मिल जाता है, लेकिन अगर हमने रेवेन्यू को भी इस तरह से खर्च किया कि उसका भी फायदा कई सालों तक मिलने लगे, तो दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज बिकम डेफर्ड रेवेन्यू, और दिस डेफर्ड रेवेन्यू इज कॉल्ड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कितना पढ़ाने के लिए मुझे इतना पढ़ाना पड़ा। सर डेफर्ड रेवेन्यू नहीं समझ में आया। जैसे कोई खर्चा आपने किया, जैसे होता है दुकान खुलती है, जब दुकान खुलती है तो हम लोग उद्घाटन कराते हैं, इनोग्रेशन कराते हैं। इसके सामने मैं कुछ लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, इनोग्रेशन एक्सपेंस। तो इनोग्रेशन एक्सपेंस अगर हो रहा है, उद्घाटन के खर्चे मान लो तुमने 1 लाख रुपए कर दिए, तो क्या इस इनोग्रेशन एक्सपेंस का फायदा तुम्हें कई सालों तक मिलेगा, या सॉरी सेम उसी साल तक से मिलेगा कि कई सालों तक मिलने वाला है? कई सालों तक मिलने वाला है। अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट याद रखिए, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है जिस साल का खर्चा है उसी साल दिखाइए। तो मैंने इस साल 1 लाख रुपए खर्चा किया, लेकिन उसके फायदा मुझे कई सालों तक मिलने वाला है ना, तो पूरा 1 लाख रुपए इसी साल खर्चे में दिखा देंगे? नहीं। अकाउंटिंग का एक लॉ कहता है ऐसे खर्चे को डिवाइड करो 5 ईयर में, 5 साल में दिखाओ एटलीस्ट। सर कई साल का मतलब 5 साल होता है, अब ऐसा मतलब अकाउंटिंग का लॉ बोलता है कि आप एटलीस्ट 5 साल तो आपको दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया तो उसको 5 से भाग दो, तो इस साल का खर्चा आप कितना दिखाओगे? 20 हजार। फिर से बाकी 80 हजार कहाँ दिखाएंगे? यहाँ पे एसेट साइड में 80 हजार। फिर अगले साल फिर खर्चे में दिखाना कितना? फिर खर्चे में दिखाना 20 हजार। फिर यहाँ कितना रह जाएगा? 60 हजार। फिर अगले साल 20 हजार, फिर यहाँ 40, फिर अगले साल 20 हजार, 20, फिर अगले साल 20, खत्म, राइट ऑफ हो जाता है एक समय के बाद, निल। और सर कोई खर्चा होता है? हाँ, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये भी प्रारंभिक खर्चे, बिजनेस शुरू करते समय स्टार्टिंग में जो खर्चे होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन वजिस्ट्रेशन कराना, इन सब के खर्चे। और कौन से खर्चे होते होंगे सर? हैवी, जैसे हैवी टाइप का कोई भी खर्चा हम हैवी हैवी अमाउंट में कर दिए, जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट कर लो। नॉर्मली हम लोग एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन इस बार मैंने, जैसे नॉर्मली हमारी कंपनी 20 हजार रुपये हर साल खर्च करती थी, हर साल कितना खर्च करती थी? 20 हजार रुपये। इस साल हमारी कंपनी ने कितना खर्चा कर दिया? मान लो 2 लाख रुपये। कुछ हैवी नहीं है, यानी इसका फायदा हमें लग रहा है कई सालों तक मिलने वाला है, इसीलिए इतना खर्चा किया गया। तो इसको अब 1 साल मत दिखाओ, इसको कितने साल में दिखाओ? 5 साल में बांट दो, डेफर कर दो। डेफर मतलब होता है क्या? बांटना। डेफर कर दो 5 सालों में। तो अगर 2 लाख रुपए खर्च किया, उसको भाग दो ना 5 से, कितना आ रहा है? 40 हजार रुपये। तो 40 हजार रुपये खर्च में दिखाओ, बाकी बचा 1 लाख 60 हजार रुपये, वो कहाँ दिखाओगे? इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये काफी है इतना इसको समझने के लिए, बस आज के लिए इतना काफी है। अभी हम लोगों ने ध्यान रहे प्राइमरी ग्रुप्स को स्टडी कर लिया। ओके, अब मेरे से कई बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट होता है टैली के अंदर, ये नए टैली के अंदर। तो ये मैं छोटा सा एक बता दे रहा हूँ आपको, हम लोग यहाँ पे सिंगल क्रिएट, जब भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने आते हैं लेजर, तो यहाँ पे सिंगल क्रिएशन ही खुलता है। एक एक लेजर बनाइए, एक्सेप्ट करते जाइए, ऐसे ही ना है? एक एक लेजर बनाइए और एक्सेप्ट करते जाइए। मल्टीपल लेजर अगर आपको क्रिएट करना है तो सर कहाँ से ऑप्शन है? क्योंकि यहाँ पे कहीं कोई और ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में, लेजर के अंदर। ठीक है, लेजर के अंदर फिर कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे देखिए क्या रखा है, क्या मल्टी मास्टर्स, इसके लिए शॉर्टकट की है एल्ट एच, एल्ट के साथ एच दबाइए। कहता है मल्टी क्रिएट करना चाहते हैं, मल्टी अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, क्रिएट लिमिट, मल्टी क्रिएट खुल गया, ऑल आइटम, सारे लेजर बनाने हैं, सारे ग्रुप के लेजर बनाने हैं। जैसे मैंने बनाया वेजेस, सॉरी वेजेस तो बना चुका हूँ, एडवर्टीजमेंट,
ये क्या हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है ना, सही है। फिर अगला बनाना है क्या, एडवर्टीजमेंट के बाद सपोज करो हम बना रहे हैं, मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी बना लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये क्या है करंट लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी है। इस तरीके से हम सब बना सकते हैं, तो मल्टी लेजर क्रिएशन भी हम लोग कर सकते हैं इसमें टैली के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये सब सबको समझ में आ गया आज का। तो ध्यान रहे हम लोगों ने प्राइमरी ग्रुप्स कंप्लीट कर लिया 15, एक दिन में हम पूरे 28 नहीं पढ़ा पाएंगे। बाकी के हम लोग जो सब ग्रुप्स हैं, यानी कि सब ग्रुप कहाँ मिल रहे हैं हमें, देख लो यहाँ पे कैपिटल के अंदर कितना सब ग्रुप है, एक। करेंट लाइबिलिटी में कितने हैं, लोन में कितना मिलेंगे सबसे ज़्यादा किसमें, 6 3 9 3 12 1 13, दैट्स इट। इसको हम लोग कल स्टडी करने वाले हैं। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आओ, पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।